Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कमिंग फॉर 4 मार्क्स आपके एग्जाम में आता है और 4 भी कम नहीं होते, ठीक है, एक एक मार्क्स से भी बहुत कुछ होते हैं. तो 4 मार्क्स का है, छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी ही वीडियो होगी, आपको बस एंड तक देखनी है, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है. बस ध्यान से सुननी है, समझनी है और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. मेडिकल रिकॉर्ड क्वेश्चन भी मेडिकल रिकॉर्ड के नाम से याद है. देखो 2005 में, 11 में, 16 में क्वेश्चन आया हुआ है. तो मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, ये आपका सिलेबस पॉइंट है. एक्चुअली मेडिकल रिकॉर्ड पर्टेन टू डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिटन अकाउंट ऑफ द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री. देखो इसके अंदर क्या होता है कि मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की, उसकी कंप्लेन, आपने क्या फाइंडिंग की है, ठीक है, क्या रिजल्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट की, आपने क्या क्या मेडिकेशंस दी हैं, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर कौन से किए हैं, डे वाइज प्रोग्रेस क्या हुई है, ये सब आपको नोट करना, रिकॉर्ड करना है. किसको? मेडिकल प्रैक्टिशनर को. आई रिपीट, आपको ये रिटन अकाउंट होता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री का, कि उसकी कंप्लेन क्या थी. पहले आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, वो अपनी कंप्लेन बताएगा, ठीक है, आपने फिर फिजिकली आपने क्या उसकी फाइंडिंग की. देखो वो ये ना दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तो वही है, ठीक है. तो फिर रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक, आपने उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए तो उनका रिजल्ट क्या है, फिर आपने कौन सी दवाइयां दी, ठीक है, उनके ऊपर कौन सा प्रोसीजर किया, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, ये सब आपको रिकॉर्ड करना है मेडिकल प्रैक्टिशनर को. फॉलोइंग पॉइंट शो इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड. इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल रिकॉर्ड की? पहला पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग. मेडिकल ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेडिकल रिकॉर्ड आपको करना, रखना ही रखना पड़ता है, ठीक है. एंड वन मस्ट हैव हैबिट ऑफ कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड फॉर सेफ्टी एंड इंटरेस्ट. तो आपको सेफ्टी के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी और इंटरेस्ट के लिए भी आपको मेडिकल रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द पेशेंट. आपके पास एविडेंस भी हो जाता है, ठीक है, ऑफ द पेशेंट इल का, ट्रीटमेंट का और रिस्पॉन्स क्या है उस ट्रीटमेंट का, ये भी. थर्ड, ओरिजिनल हॉस्पिटल रिकॉर्ड ऑफ मेडिको लीगल कंसेप्ट इंक्लूडिंग एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI फिल्म शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस. आपको पुलिस को ये हैंड ओवर नहीं करना है मेडिको लीगल केस में. हाउएवर ऑन रिक्वेस्ट फोटोकॉपी, अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे फोटोकॉपी ही देनी है, ओरिजिनल आपको वहां पे नहीं देना है. फोर्थ पॉइंट, मेडिको लीगल रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिलोंग टू पुलिस. हाउएवर इट इफ द अफेक्टेड पार्टी इज आस्किंग फॉर रिकॉर्ड देन द टेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द MLR मतलब मेडिको लीगल रिपोर्ट कैन बी हैंडेड ओवर टू द पेशेंट और हिज रिलेटिव आफ्टर रिक्विजाइट फी पे बाय द एप्लीकेंट. तो देखो, तो अब वैसे तो ये पुलिस को देते हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट की और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, ठीक है, अगर उसके घर के ये मांगते हैं तब आपको वहां पे अटेस्टेड करके वो फोटोकॉपी देनी चाहिए, ठीक है, फोटोकॉपी देनी, ओरिजिनल नहीं देनी है. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, पेशेंट कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन सेफ कस्टडी. पेशेंट का कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखना है, सेफ रखना है कस्टडी के लिए. पेशेंट रिकॉर्ड शुड नॉट बी यूज इन क्लिनिकल और कॉन्फ्रेंसेज विदाउट द पेशेंट कंसेंट. पेशेंट के रिकॉर्ड को कभी भी क्लिनिक में या कॉन्फ्रेंस के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. अगर करना भी है तो उसकी कंसेंट यहाँ पे जरूर लेनी है. नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ पॉइंट, अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस गाइडेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल. ये इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल की टू कीप मेडिकल रिकॉर्ड इज अप टू 5 ईयर. 5 साल तक वो आपको रिकॉर्ड रखना है ओपीडी पेशेंट का. आउटडोर जो पेशेंट डिपार्टमेंट है ओपीडी पेशेंट का 5 साल तक, और आईपीडी का 10 साल तक रखना है, ठीक है. ओपीडी इज फॉर 5 एंड आईपीडी इज फॉर 10. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. एक बार दोबारा बता देती हूँ, मेडिकल रिकॉर्ड 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, उसकी कंप्लेन, उसकी फिजिकल फाइंडिंग, ठीक है, उसके बाद आपने क्या मेडिकल नहीं डायग्नोस्टिक का आएगा, क्या रिजल्ट आया उनका, फिर मेडिकेशन, फिर प्रोसीजर, फिर उनकी डे वाइज प्रोग्रेसिव क्या आया, ये सब आपको अपने पास रिकॉर्ड रखना है मेडिकल प्रैक्टिशनर को. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि पहला तो आपको ये रिकॉर्ड रखने ही रखने होते हैं सेफ्टी के लिए. सेकेंड पॉइंट आता है, इसमें आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है आपके पास. तीसरा, ओरिजिनल कभी भी आपको हैंड ओवर नहीं करना है पुलिस को, कुछ भी आपको फोटोकॉपी देनी है. और मेडिकल लीगल रिपोर्ट में पोस्टमार्टम
रिपोर्ट में अगर पुलिस करा रही है वहां पे, वैसे पुलिस नहीं करा सकते, बेसिकली ये मैजिस्ट्रेट के उससे ही होते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो वहां पे आपको अटेस्टेड करके देनी है, फोटोकॉपी ही देनी है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के कॉन्फिडेंटियल रिकॉर्ड शुड बी कैप्ट इन सेफ कस्टडी, और आपको कभी भी क्लिनिक में या कॉन्फ्रेंस के लिए उसको यूज नहीं करना, उसकी कुछ भी रिकॉर्ड आपको विदाउट कंसेंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ आपको ओपीडी पेशेंट का डाटा कलेक्ट करके रखना है 5 साल तक, और आईपीडी का कम से कम 10 साल तक आपको अपने पास रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया मेडिकल रिकॉर्ड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जाने से पहले एक और बात, अगर किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।